वार्मअप मैच विद फिजिक्स और आज सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। आप डायग्राम देखकर के समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि वोल्टेज को कंट्रोल कर लेना। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, S1 S2 नाम दिया, एक पीएन जंक्शन डायोड लगा और यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस है। ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है, 0 90 डिग्री, पाई 270 और 360, यानी फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। मतलब 0 से पाई का मतलब है कि ये पॉजिटिव आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर ये पॉजिटिव तो हमने S1 को प्लस लिया और इसको माइनस लिया। इस सिचुएशन में पी को प्लस मिल रहा है। हमने पहले वार्मअप मैच के अंदर देखा था पी को प्लस का मतलब ट्रू कनेक्शन, मतलब फॉरवर्ड बायस। अगर ये फॉरवर्ड बायस है मतलब करंट को जाने देगा, करंट को जाने देगा मतलब इसके अक्रॉस में हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इसीलिए पॉजिटिव के लिए आप लोगों को देखिए आउटपुट वेवफॉर्म में मिल गया। लेकिन अगर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल पाई से 2 पाई की बात करें तो इस सिचुएशन में ये आपका माइनस होगा और ये आपका क्या होगा, प्लस होगा। मतलब पी को माइनस मिल रहा है, मतलब कि रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब है करंट को जाने नहीं देगा। करंट को अगर जाने नहीं देगा तो V = IR के हिसाब से I 0 हो गया, करंट नहीं जा रहा है, इसलिए आपका आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, 0 होगा। इसलिए जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो यहां पर कोई भी आपको वेवफॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है। फिर से पॉजिटिव फिर से आएगा, फिर से नेगेटिव चला जाएगा। इसीलिए हम लोगों को सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ही हमें आउटपुट मिलता है, इसीलिए हम इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वार्मअप मैच के अंदर। जय हिंद।